हाय एवरीवन, मैं हूँ फिज़ा खान और आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद मी में स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ और आज की स्टोरी का टाइटल है आ कुकू एंड आ हॉक, यानी एक कोयल और एक बाज। आ यंग कुकू वॉज सिंगिंग वाइल सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, यानी एक छोटा कुकू। देखिए यहाँ यंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जवान है, इसका मतलब छोटा, यानी एक छोटा कोयल गा रहा था वाइल यानी दौरान, सिटिंग यानी बैठने के दौरान, ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री यानी एक दरख्त के सबसे ऊपरी हिस्से पे, यानी एक दरख्त के चोटी पर बैठकर गा रहा था। सडनली अचानक अ हॉक डाइव्ड एंड स्विप्ट अवे द बर्ड, यानी अचानक एक बाज डाइव्ड का मतलब होता है गोता लगाना। देखिए पानी में गोता लगाए या हवा में गोता लगाए, बात एक ही है, क्योंकि पानी में गोता लगाना यानी तैरना होता है और हवा में गोता लगाना यानी उड़ना होता है। तो यानी एक बाज गोता लगाया यानी उड़ते हुए आया एंड स्विप्ट का मतलब होता है बहा कर ले जाना। स्विप्ट का मतलब झाड़ू लगाना होता है, तो झाड़ू में हम लोग झाड़ू लगाते तो कचड़े को बहा कर ले जाते, तो बस वही है, यानी स्विफ्ट अवे यानी बहा कर ले गया द बर्ड यानी परिंदे को। द बर्ड वॉज टेकन अबैक बाय दिस सडन अटैक, यानी परिंदा वॉज टेकन अबैक, यानी अबैक का मतलब होता है हक्का बक्का होना यानी अचंबा होना, हैरान होना। अबैक का मतलब होता है हैरान होना, टेकन का मतलब लेना, यानी वो जो है हैरान हो गया था बाय दिस सडन अटैक, यानी बाय का मतलब होता है की तरफ से, किस जरिए, तो किस वजह से, किस जरिए से वो हैरान हुआ, बाय दिस यानी इस अचानक अटैक, अचानक हमले की वजह से वो हैरान हो गया था। विथ ट्रेमलिंग वॉइस, ट्रेमलिंग का मतलब होता है कपकपाना यानी थरथराना, यानी अपने कपकपाते हुए आवाज़ के साथ, शी सेड उसने कहा, आई एम सो स्मॉल दैट आफ्टर ईटिंग मी योर हंगर विल नॉट सेटिस्फाई, यानी उसने कहा आई एम सो स्मॉल यानी मैं बहुत छोटा हूँ कि आफ्टर ईटिंग यानी खाने के बाद, मुझे खाने के बाद योर हंगर यानी तुम्हारे भूख विल नॉट सेटिस्फाई यानी तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। देखिए यहाँ विल है यानी गागेगी और हंगर का मतलब होता है भूख, यानी मुझे खाने के बाद मैं बहुत छोटा हूँ कि मुझे खाने के बाद तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। सेटिस्फाई यानी तसल्ली होना, यानी उसे वो इतना छोटा है कि उसे खाकर उसकी जो भूख है उसे तसल्ली नहीं होगी, यानी उसका भूख जो है वो नहीं मिटेगा। सो इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दो एंड लुक फॉर समवन हेल्दी एंड लुक फॉर और ढूंढो। देखिए लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढ रहा और लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, यानी ढूंढो समवन यानी किसी और को, हेल्दी यानी सेहतमंद किसी और को ढूंढो। हॉक सेड यानी बाज ने कहा, ऑल दो का मतलब होता है बहरहाल या फिर हालांकि तुम छोटे हो, यू आर ट्राइंग टू बी फूल मी यानी हालांकि तुम छोटे हो, तुम कोशिश कर रहे हो टू बी फूल मी यानी मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि तुम छोटे हो लेकिन मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब ये है। बट वाई शुड आई लेट अ प्रे गो फ्रॉम माई हैंड यानी मेरे हाथ से जाने, यानी मेरे हाथ से क्यों जाने देना चाहिए एक शिकार को। आप रे यानी एक शिकार और लेट का मतलब होता है कोई भी काम को होने देना और शूट का मतलब होता है चाहिए
वाई मतलब क्यों, लेकिन क्यों क्यों मुझे एक शिकारी को जाने देना चाहिए मेरे हाथ से। सो इसलिए द हॉक किल्ड, यानी इसलिए बाज ने मार दिया एंड एट अप द बर्ड, और खा लिया, एट अप का मतलब होता है खा लिया, और खा लिया द बर्ड यानी परिंदे को खा लिया। तो इस स्टोरी का मोरल है फॉर मोर यानी ज़्यादा के लिए डोंट लॉस यानी मत खो अ थिंग इन हैंड यानी एक चीज़ हाथ में है, यानी जो भी एक चीज़ हाथ में है उसे ज़्यादा के लिए मत खो। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी भी पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, बाय।